सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जो जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट राउंड है वो होने वाला है इवाबे के बीच में और वसाबी के बीच में, और उन लोगों का मैच स्टार्ट होने ही वाला होता है और वो लोग अपने चेंजिंग रूम के अंदर होते हैं। तो इवाबे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और बोलता है कि मैं वसाबी को इस मैच में हराऊंगा और मैं जल्दी होकागे बन जाऊंगा। तो मेटल ली बोलता है कि ये मैच चुनिन एग्जाम का है, तुम पहले चुनिन तो बन जाओ, बाद में सोचना होकागे के बारे में। तो इवाबे बोलता है मुझे बस एक बार ही चुनिन बनना है, चुनिन बनने के बाद तो गारंटीड है मैं होकागे बन ही जाऊंगा। तो मेटल ली उसको रुकने वाला होता है, तभी डेंकी बोलता है कि अरे शांत हो जाओ, ये बस अपने आप को हाइप अप कर रहा था कि डरे ना। तभी हम लोग देखते हैं उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि वो नामिदा और वसाबी को भी सुनाई दे रही होती है। तो नामिदा वसाबी से बोलती है कि तुम भी जोर से चलाओ कि मैं जीत जाऊंगी, मैं जीत जाऊंगी, लेकिन वसाबी कुछ भी नहीं करती। तभी हम लोग देखते हैं वहां पे वसाबी के पेरेंट्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ चुनिन, क्या कर रही हो यहाँ पे। तो वसाबी बोलते हैं मॉम डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं हम लोग तो तुम्हें चीयर करने के लिए आए, तुम इतनी दूर पहुंच गए, तुम्हारे लिए ऑलरेडी चुनिन बन गई हो, मैं तुम्हें पक्का पता कि तुम चुनिन बनी जाओगी। तो वसाबी बोलते हैं कि आप फालतू में ही अपने आप को इतना ज्यादा ओवर हाइप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेरा तो मैच भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तभी वहां पे वसाबी की दादी आती है और वो बोलते हैं कि तुम हमारे क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहे हो इतनी बड़ी जगह पे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तुम हमें पता है तुम चुनिन बनी जाओगे। और फिर उसको चीयर करने लगती है। तो वसाबी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वसाबी की जो दादी होती है वो बोलती है तुम हमारे क्लैन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हो, और अगर आज तुम चुनिन बन जाती हो तो हमारी क्लैन की सबसे यंग चुनिन होगी तुम, आज तक हमारी इस एज में कोई भी चुनिन नहीं बना। तो वसाबी बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, इतना ही कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वसाबी के डैड बोलते हैं कि तुम एक दिन होकागे ही बनोगी, तुम्हारी जो स्किल्स है वो काफी अमेजिंग है। तभी वसाबी की दादी उसको स्क्रॉल देती है और वो बोलती है तुम ये घर पे छोड़ आई थी, तुम्हें याद है ना ये हमारा जनरेशनल जुत्सु है, इससे तुम एक जायंट कैट के अंदर तब्दील हो सकती हो और तुम किसी को भी हरा सकती हो। तो वसाबी बोलते हैं कि मेरा मैच स्टार्ट होने वाला है, प्लीज मुझे हाइप अप मत कीजिए और वहां पे जाके बैठ जाइए। तो वसाबी के डैड जाते जाते बोलते हैं कि ठीक है फ्यूचर होकर आगे हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। और हम लोग इतने वसाबी जो होती है वो पीयर प्रेशर में आ जाती है और वसाबी बोलती है जुत्सु है जो कि मेरी दादी का ड्रीम है, वो चाहती है कि मैं इस जुत्सु को अब्सॉर्ब करूं, लेकिन मैं अभी तक कर नहीं पाई हूं, उनकी जो होप्स हैं वो मेरे से बहुत ज्यादा हाई हैं, चुनिन तक तो ठीक है लेकिन वो होकागे पता नहीं क्यों बनाना चाहते हैं। तभी नामिदा बोलते हैं उन लोगों को शायद तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। तभी सुबाकी बोलते हैं क्या तुम्हारी एज के लिए अनयूजुअल है तुम्हारी क्लैन में चुनिन बनना। तो वसाबी बोलते हैं हमारी एज का आज तक कोई भी चुनिन बन नहीं पाया है हमारी क्लैन में, वो सब एडल्ट होकर चुनिन बन पाते हैं, और ये तो चुनिन की बात रही, मैंने आज तक हमारी क्लैन में किसी को जोनिन बनते हुए देखा ही नहीं है, इनुजुना क्लैन में कोई शायद जोनिन बन ही नहीं पाया, इसलिए जब से मैं इस फाइनल राउंड में पहुंचूं उन लोगों को लगता है पता ही नहीं मैं क्या ही कर सकती हूं, और उनको तो ये भी लगता है कि मेरे स्किल्स जो है वो होकागे भी बना सकती हैं मुझे, लेकिन मैं होकागे कैसे बन पाऊंगी, मैं इतने भी ज्यादा होना नहीं हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इवाबे का और वसाबी का मैच स्टार्ट हो जाता है। तो इवाबे उसके सामने खड़ा होता है, तभी शिकामारू नारुतो से बोलता है मुझे लगा नहीं था कि ये दोनों यहाँ तक पहुंच पाएंगे, लेकिन इन लोगों ने काफी अच्छी ट्रेनिंग करी है। तभी नारुतो बोलता है कि ये सब मैच्योर हो रहे हैं और ये अपनी अपनी ताकत हम लोगों को दिखा रहे हैं, तो काफी ज्यादा देखना हम लोगों को भी बाकी है। तभी हम लोग इतने ऑडियंस काफी ज्यादा हाइप अप होती है और वहाँ पे कावाकी भी आया हुआ होता है नारुतो के साथ ये सब कुछ मैच देखने के लिए। तो इवाबे बोलता है वसाबी तुम्हें ज्यादा हाइप अप होने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी इस मैच को जीतने वाला हूँ। तो वसाबी बोलते हैं तुम जैसे लोग पता नहीं बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हैं, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है बड़ी बड़ी बातें करना। तो इवाबे बोलता है तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रही हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ, कुछ हुआ है क्या। और उसके बाद वो अपने अर्थ स्टाइल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो हम लोग देखते हैं वो दो माउंटेन के बीच में उसको दबाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वसाबी वहां से बाहर आ जाती है और अपने कैट क्लॉक्स का अब्सॉर्ब करके इवाबे के ऊपर अटैक कर देती है। और हम लोग देखते हैं जैसे ही उनका मैच स्टार्ट होता है वैसे वहां पे शिंकी अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और वो लोग देखते हैं कि वहां पे शारदा और चोचो बैठी होती है। शारदा उनसे पूछते हैं तुम लोग तो ऑलरेडी चुनिन बन चुके हो है ना। तो योडा बोलते हैं कि हाँ हम लोग चुनिन काफी पहले बन चुके हैं, तुम्हारा विलेज काफी ज्यादा स्लो है, तुम हमसे काफी ज्यादा पीछे हो। तो शारदा चौंक जाती है और चोचो बोलती है अच्छा शिंकी तुम तो यहाँ पे बोरुटो के लिए आए होगे है ना, लेकिन बोरुटो अभी तक यहाँ पे आया ही नहीं है। तो शिंकी बोलता है अच्छा लेकिन तुम लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक, मैं भी तुम लोगों को भी देखने के लिए आया हूँ। और ये बोल के शिंकी ऊपर जा ही रहा होता है तभी उसकी नजर कावाकी पे पड़ती है जो कि ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है और कावाकी उबासी ले रहा होता है उन लोगों को देख के। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वसाबी के जो मॉम डैड और दादा दादी जो होते हैं वो काफी ज्यादा हाइप अप होते हैं और वो बोलते हैं बेटा तुम होकागे बनोगी एक दिन। तभी युवा भी बोलता है तुम लोहारा सपना भी होकागे बनने का, तुमने मुझे कभी पहले बताया क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें कभी होकागे नहीं बनने दूंगा क्योंकि होकागे तो मैं ही बन के रहूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकती। तभी वसाबी बोलते हैं तुम धीरे बोलो थोड़ा, मेरे दादा दादी सुन लेंगे ना, मेरे पापा और मम्मी सुन लेंगे तो उनको काफी ज्यादा बुरा लगेगा, ये मैं होकागे नहीं बनना चाहती, ये उन्होंने खुद डिसाइड किया बस मेरे लिए, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। तो युवा भी बोलता है तुम होकागे नहीं बनना चाहती। तो वसाबी बोलते हैं तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम्हारे जैसे केयर फ्री इडियट से मुझे काफी ज्यादा नफरत जो एक बार भी बात नहीं समझ पाते। तो युवा बोलता है कि मैं केयर फ्री इडियट हूं और तुम अब होकागे बनने से डरती हो, मुझे केयर फ्री इडियट बोल रही हो। तो वसाबी बोलते हैं होकागे बनना मेरा गोल नहीं है, बस मैं डरती वरती नहीं हूं होकागे बनने से। तो हम लोग देते हैं युवा उसकी गर्दन पकड़ लेता है, कॉलर पकड़ लेता है और वो नॉर्मल फाइट करने लग जाते हैं। और युवा बोलता है तुम बोल क्या रही हो। तो वसाबी बोलती है जरूरी थोड़ी हर शिनोबी होकागे बनना चाहे, कोई शिनोबी अमेजिंग शिनोबी बनना चाह सकता है। तो युवा बोलता है कि एक शिनोबी के लिए सबसे ज्यादा अमेजिंग पोस्ट और क्या हो सकती है, होकागे बनने से ज्यादा अमेजिंग और क्या हो सकता है। तभी वसाबी बोलते हैं बहुत सारे ऐसे शिनोबी जो अमेजिंग है लेकिन होकागे नहीं है, तुम सासुके उचिहा कोई देख लो। तभी हम लोग देखते हैं कि इवाबे उसको बोलता है सासुके उचिहा से अपने आप को कंपेयर मत करो, तुम सिर्फ कायर हो इसलिए तुम होकागे नहीं बनना चाहती। तभी कोनारो बोलता है अरे तुम दोनों मैच के बीच में ये झगड़ा वगड़ा बाद में कर लेना यार, मैच स्टार्ट कर लो। तो वसाबी बोलते हैं कि तुम पता नहीं होकागे बन भी पाओगे या फिर नहीं, तुम्हारी मंदबुद्धि तुम्हें कभी होकागे नहीं बनने देगी। तभी इवाबे बोलता है कि मेरा सपना है मैं जो बनूं वो बनूं, तुम्हें क्या मतलब है इस सबसे।
मेरा सपना है जो मैं बनना चाहूँ वो बन सकता हूँ, तभी बस अभी उसको बोलते हैं कि तुम जैसे जो ऑर्डिनरी शिनोबी होते हैं, जो हमारे जैसे ऑर्डिनरी शिनोबी होते हैं वो बन नहीं सकते, हमारी क्लैन ही ऐसी है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वसाबी की माँ होती है वो उसकी दादी के कान पकड़ लेते ताकि उसको कुछ भी सुनाई ना दे। तभी हम लोग होते हैं वसाबी जैसे उससे पीछे हटती है वैसे उसके हाथ से स्क्रोल गिर जाता है। तो ईवा भी उस स्क्रोल को देखता है और बोलता है ये स्क्रोल क्या है, स्क्रोल तुमसे कुछ गिर गया शायद। तो वसाबी बोलते हैं इस पर ध्यान मत दो, ये हमारे रीजन और क्लैन का एक स्क्रोल है जो कि जनरेशन टू जनरेशन बढ़ाया जाता है, तुम इस पर ध्यान मत दो, हमारी फाइट स्टार्ट करो। तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि बचपन में जो वसाबी की दादी थी वो उसको हमेशा बताती थी कि ये जो जुस्सू है वो तुम्हें जाइंट कैट के अंदर तब्दील कर देता है, और वो कभी कभार उसको बताती थी कि ये जो जाइंट कैट होती है वो हाउस की जितनी बड़ी होती है। तो वसाबी अपनी दादी को बोलती है दादी पिछली बार तो आपने बताया था कि वो पेड़ जितनी बड़ी होती है। फिर हम लोग देते हैं वसाबी की दादी उसको एक दिन बताती है कि वो जो कैट होती है वो एकदम पहाड़ जितनी बड़ी होती है। तो वसाबी इस बार समझ जाती है उसकी दादी बस यही सब कुछ बोल रही है, उन्होंने कभी इस कैट को देखा नहीं है। तो वही यही बात वो युवा को बताती है और बोलती है कि ये जुस्सू सिर्फ पागलों का है, ये सिर्फ एक स्टोरी है, असलियत में नहीं है, कभी किसी ने भी ये देखा नहीं है, मेरी दादी का सिर्फ ये सपना है। तो युवा बोलता है कि तुम लोग पता नहीं कैसे हो, तुम एक्सपेक्टेशन से शायद डरते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम पे कोई एक्सपेक्टेशन रखे, मुझे तो तुम्हारी दादी के लिए सॉरी फील हो रहा है जो जिनकी होप्स इतनी ज़्यादा हाई है तुम्हारे लिए, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वसाबी की मॉम होती है वो फिर से उसकी दादी के ईयर कवर कर लेते ताकि उनको कुछ भी सुनाई ना दे। तो युवा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि माउंटेन जितनी बड़ी कैट नहीं हो सकती, अगर तुम विश्वास करो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। और हम लोग इतने युवा अपने अर्थ स्टाइल का इस्तेमाल करता है और जमीन पर जोर जोर से हथौड़े मारने लगता है जिससे एक चट्टान वहाँ पर उभर जाती है और हम लोग इतने वो धीरे धीरे करके वो चट्टान स्टेडियम से भी बड़ी हो जाती है और वो एक बिल्ली की शक्ल ले लेती है। तो युवा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हर चीज इम्पॉसिबल होती है, तुम जब डिसाइड कर लो तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं बन सकती, तुम कुछ भी कर सकती हो। तो वसाई बोलते तुम्हें क्या लगता है, कभी मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन आज तक हमारी क्लैन में से कोई भी है जुस्सू कर नहीं पाया। तो युवा बोलता है जो तुम चाहती हो वो कर सकती हो, अगर तुम नहीं कर सकती हो तो तुम्हें क्या लगता है कोई भी नहीं कर सकता, तो मुझे बत बताओ कि मैं हुकागे बन सकता हूं या फिर नहीं। और हम लोग देते हैं युवा एक बहुत बड़ी कैट खड़ी कर देता है वहां पे और वो स्क्रोल को पकड़ता है और बोलता है देखा जैसे मैं इस कैट को बना सकता हूं माउंटेन जितनी बड़ी कैट को तो तुम भी बना सकती हो। और हम लोग ये बोलते युवा वहां पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने अपना पूरा चक्र यूज कर लिया होता है। तभी हम लोग देते हैं युवा की जो कैट बनाई हुई होती है उसका जो सर होता है वो धड़ से अलग होने लगता है और वो गिर रहा होता है युवा के ऊपर। तो वसाबी उसको बचाने के लिए जाने लगती है और वो अपने कैट क्लॉक को इस्तेमाल करती है और वो जो जनरेशनल जुस्सू होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है और हम लोग देखते हैं वो एक बड़ी बहुत बड़ी जायंट कैट के अंदर तब्दील हो जाती है जिससे वो सर को एक ही पंच के अंदर तोड़ देती है। तो वसाबी की जो दादी वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने फाइनली उस जुस्सू को इस्तेमाल कर दिया। तो वसाबी अपनी दादी की तरफ देखती है और बोलती है आपने जो भी बोला था वो सब सच था, मुझे लगा था आप झूठ बोल रही हो। और फिर वो युवा को उठाने लगती है कि युवा जल्दी उठो हमारा मैच बाकी है, तुम्हें उठना होगा हमारा मैच चालू होने वाला है। तभी कोनार जोर से चिल्लाता है कि जो विनर है वो है वसाबी इज़ुना। तो वसाबी बोलती है ये क्या हो रहा है, युवाबे भी फाइट कर सकता है, थोड़ी देर के लिए रुकिए, युवाबे शायद थक गया है वो भी फाइट कर सकता है। तो कोनारो बोलता है मुझे नहीं लगता इसको देखिए कि ये फाइट कर पाएगा, इसने अपने पूरी जान लगा दी है और इसने चक्रा यूज कर लिया तो अब ये फाइट नहीं कर पाएगा। तो सुबाकी बोलती है यूनिक बैटल थी लेकिन जो रिजल्ट आया वो आया, वसाबी जीत गई है, युवाबे हार चुका है। तभी वसाबी युवाबे को उठाने लगती है और बोलते तुम इतने जल्दी गिव अप कर रहे हो अपने ड्रीम पे और इस जगह पे तुम चुनिन बन सकते हो तुम अगर मुझे हरा दोगे। तो युवाबे काफी ज्यादा दुखी हालत खराब होती है और बोलता है कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो वसाबी बोलते तुम अपने ड्रीम्स पे इतनी जल्दी हार मान रहे हो, तुम तो होकागे बनना चाहते थे ना, क्या हुआ चुनिन भी नहीं बन पाओगे। तो युवाबे बोलता है कि मैं होकागे बनना चाहता हूँ और अभी भी चाहता हूँ लेकिन मैं अभी ये नहीं कर सकता, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो हम लोग इतने नारुतो हंसने लगता है और बोलता है क्या मैच देखा आज तो कुछ क्रेजी हो गया यहाँ पे। तो शिकारो बोलता है ये तो मुझे तुम्हारी और कीवा की याद दिला रहा है, तुमने भी तो बचपन में ऐसा कुछ सब कुछ किया था। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरुटो और मिस्की जो होते हैं वो एक ट्रेन स्टेशन पहुंच जाते हैं और बोरुटो मिस्की से बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि यामादो यहीं पे उतरा होगा, वो लोग यामादो को यहीं पे लेके उतरे होंगे। तो मिस्की बोलता है शायद यहीं पे उतरे हैं क्योंकि ट्रेन यहीं पे स्लो हुई थी, इससे पहले कहीं भी स्लो नहीं हुई थी। और फिर हम लोग देखते हैं मिस्की अपने सांप को हर तरफ देखने के लिए भेजता है और उसको पता चल जाता है कि यामादो कहाँ पे है, तो बोरुटो को लेकर उस डायरेक्शन में निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इवाबे और वसाबी का मैच खत्म हो जाता है और कोनारो दूसरी लिस्ट निकालने वाला होता है। तभी शारदा काफी तो गुस्से में होती है और बोलती है कि अभी तक बोरुटो और मिस्की आए क्यों नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि कोनारो लिस्ट निकाल लेता और अब की बार जो ओपोनेंट होते हैं वो होते हैं शारदा उची और चोचो आकी मिची। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, होते हैं बाय बाय।